जमात 12वीं वाले दा हैगा 10 मई नूं जर्नल पंजाबी दा पेपर टर्म 2 दा। तां इस वीडियो दे विच इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखांगे, तां देख लो 3 घंटे दा तुहानूं समां मिलेगा, 40 नंबर दा तुहाडा पेपर आएगा। तां देख लो इहदे विच जिहड़ा 2 अंक है तुहानूं सुंदर लिखाई दे वी मिलणगे, ते प्रश्न पत्र दे कुल 10 प्रश्न होणगे, सारे प्रश्न हल करने लाजमी होणगे। तां प्रश्न 1 तां इहदे विच तुहानूं इह प्रश्न सुंदर लिखाई दे लई अंक लई राखवा होवेगा, इह तुहानूं 2 अंक अगर तुहाडी सुंदर लिखाई होगी तां तुहानूं 2 मार्क्स मिल जाणगे। ते दूसरा प्रश्न की है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक एक नंबर वाले आणगे 5 अंक दे। तां देखो पहला की है, पंजाब दे लोक नाच पाठ दा लेखक कौन है? तां डॉक्टर जगीर सिंह नूर। ते 8वां प्रश्न, घर जा अपने कहानी दे कहानीकार दा नाम की है? तां गुलजार सिंह संधू। अगला प्रश्न है, समी मेरी बन डैश बन समिया कथन दा खाली थां पूरा करो, तां की आएगा इहदे विच? समी मेरी बन कोठे ते पर कोठड़ा बन समिया, ठीक है। तो इस तो बाद प्रश्न ये ही, तो गीत सुनन उपरंत लेखका दे मन विच भगत सिंह दे मंगेतर बारे ख्याल आने लगे सन, तो कि यह जिहड़ा कथन है सही है? तो हाँ जी बिल्कुल सही है। तो हुण प्रश्न तीसरा तुहाडा चालू हो जाता है। तो देखो हेठ दिते प्रश्नों विच कोई 2 प्रश्नों के उत्तर दिओ। तो देखो हुण पहला प्रश्न की है, पंजाब दीआं बहुतीआं लोक कलावां दीआं सिरजक स्त्रियां रहीआं हन, इन्हां बारे खोल के चानना पाओ। तो देखो की आंसर इहदे विच कि पंजाब दीआं बहुत लोक कलावां दियां जड़ियां सिजक स्त्रियां ही रहियां हन, शायद यही कारण है कि पंजाब दी लोक कला मंगल कामना दी भावना वाली है, अते इस विच लोक जीवन दे सुखांतिक पहलू पेश होए हुंदे हन। स्त्रियां पानी विच मिट्टी गुन के अते इस विच बरीक तूड़ी रला के उटियां कंधां भड़ोले भड़ोलिया जा हारिया आदि ते उभरबे चित्र बनाउंदियां सन। पंजाब विच फुलकारी दी कढ़ाई दी लोक कला दीआं सिरजक वी स्त्रियां हन, स्त्रियां बड़े रीझ नाल फुलकारी कढ़दियां हन। स्त्रियां पंजाब दीआं कई होर लोक कलावां दीआं वी सिरजक हन, उह भांडो मिट्टी विच कागज गत्ता मिला के गोहे बोहे आदि बनाउंदियां हन। कुआरियां कन्यावां नवरात्रियां दे दिनां विच कंध उपर गोहे आदि नाल सांझी देवी दी मूर्ति बनाउंदियां हन। स्त्रियां जिथे सतीरा अते कुड़ियां थले कंधां ते नील सिंगरफ पीली मिट्टी कालख जां फिर जिहड़ी हैगी आ हिरमची नाल कई तरह दे जिहड़े नमूने बौंदियां हन, अते कत्तक दे महीने जिहड़े हैगी आ ओही दी मूरत भी कंध ते उलकदियां हन। इस तरह पंजाब दीआं बहुत लोक कलावां दीआं सिरजक स्त्रियां रहियां हन। ते अगला प्रश्न की इहदे विच कि पंजाब दे लोक नाच पाठ विच मुख नाचां तों बिना होर किहड़े किहड़े नाचां दा जिक्र आया है? तां देख लो पंजाब दे लोक नाच पाठां विच मुख नाचां तों बिना हेठ लिखे लोक नाचां दा जिक्र आया है, जिवें कि मर्दां दे लोक नाच तां मर्दां दा गिद्धा धमाल खली हेमड़ी डंडास अखाड़ा गतका, ठीक है जी, ते पठाणियां फुमणियां भगत नाच जगम नाच नामधारी नाच ते उस तों बाद सुथरा नाच ते अपना अगला हैगा कि मरकत नाच ते गुग्गा नाच। स्त्रियां दे लोक नाच तां दोस्तो हैगे आ हुल्ले हुलारे लुड्डी धमाल टिपरी डंडास, ठीक है, फड़ूहा घुमर ते सपेरा, ठीक है जी, इह उहनां दे लोक नाच हन। इस तों इलावा दोस्तो की है अपना नकल खेडां लई किहो जिहे पीड़ां दी वरतों की जाती है? तो देखो इहदा उत्तर की है, नकल खेडण लई, ठीक है, 3 प्रकार दीआं पीड़ां दी वरतों की जाती है, घगरी पीड़ तीर कमानी पीड़ ते अगे दरखत वाला थड़ा। तो देखो घगड़ी पीड़ की है, जदों नकलीए एक थां खलो के, ठीक है जी, नकलां करन अते दर्शक उहनां दे चारों चुफेरे गोल दायरे विच खलो के नकलां देखण, तां अजिहे पीड़ नूं, ठीक है जी, घगरी पीड़ कहा जांदा है। तीर कमानी पीड़ की है, जदों पिछले पासे किसी मकान जां दीवार दा आसरा मिल जावे ते उस पासे कोई दर्शक ना आ सके तां इह जिहड़ी हैगी तीर कमानी पीड़ हुंदी है। दरख्त वाला जिहड़ा हैगा थड़ा की है, कदे कदे किसी दरख्त हेठां बणिया थड़ा भी नकलां करन लई, ठीक है जी, जिहड़ा वरत लिया जांदा है, जिस ते लोक हेठां खलो के नकलां देखदे हन। ते अगला प्रश्न की है इहदे नाल ही, तां देखो पंजाबी सभ्याचारिक परिवर्तन पाठ दे आधार ते दसो कि सानूं जिहड़ा हैगा चेतन पद्धर ते किहड़ियां नवीआं सेहतमंद परंपरावां विकसित करन दी लोड़ है? तां देखो उत्तर की है इहदा कि हर पंजाबी नूं अपने सभ्याचार दे अभियान नहीं सगों माण करना चाहीदा है। बहुत कुछ सानू छड्डण दी जरूरत है, जिवें कि कुड़ियां मारना, ठीक है जी, ते बहुत सारा कुछ सानू रखण दी जरूरत है, जिवें कि घर विच बजुर्ग, बहुत कुछ सानू दूसरियां तों सिखण दी जरूरत है, जिवें किरत करना ते बंद छकणा दे नाल नाल सबर संतोख सहजता, इस सब
कुछ नूं बचाउण दी जरूरत है। मुकदी गल इह है कि जिहड़ी सभ्याचारक दी कोई भी जड़ वरतारा नहीं है, इह जिउंदी जगदी जीवन जांच है, इस नूं नित नवाउण दी लोड़ पैंदी है। आधुनिक युग विच तां इस बारे चेतन कोशिशां भी करनियां पैणियां हन, क्योंकि परंपरा ते सहज रूप विच पीढ़ी दर पीढ़ी सिखण वाला जिहड़ा हैगा सांझा समाज जिहड़ा हैगा खत्म हो चुका है, जो सानूं हर वेले चेतन पद्धर ते सोच विचार के नवीं सेहतमंद परंपरावां नूं विकसित करना दी जरूरत है। ते उस तो बाद क्वेश्चन की है कि पंजाबी नकलों तो की भाव है, तो दोस्तों नकल पंजाबी सभ्याचार विच लोक नाट की एक अजिही जिहड़ी हैगी आ नाटकी विधि है, जिस नूं ठीक है जी सांग रीस जां फिर किसी होर वांग करन दी किरिया भी ठीक है जी आख लिया जांदा है। कई लोग इस नूं पंड भदौती भी आखते हैं। इस विच किसे पेशे मनुख पशु वस्तु जां फिर जातू नाल ठीक है संबंधित कहानी नूं पेशावर नकली द्वारा जिहड़ा हैगा झमोटा रंग शैली विच किसे प्रकार दा भेष धारण करन तो बगैर ठीक है व्यंगमई वार्तालाप राही पीड़ विच पेश किया जाता है। यह चुस्त वार्तालाप हाजिर जवाबी व्यंग अते नाटकी मौके सिरजण दी जिहड़ी समर्था कारण सजीव नाटकी पेशकारी दा जिहड़ा हैगा प्रतिनिध नमूना है। ते उस तो बाद दोस्तों की है तां उस तो बाद है अपना अगला प्रश्न देखदे हां। इत्थे तां देखो चौथा प्रश्न तुहानूं हैगा तुसीं वेरका मिल्क प्लांट दे उत्पाद वेचण दा कारोबार अपने इलाके विच जिहड़ा हैगा करना चाहुंदे हो, तां इस बारे वेरका दे वख-वख उत्पादां दे आदि दी जानकारी लैण हित नेड़ले जिहड़े वेरका मिल्क प्लांट दे मैनेजर नूं पत्र लिखो। तां देखो कि इह पिंड ते डाकखाना नकोदर जिला जलंधर ठीक है हवाला नंबर 44988 मिती दोस्तों 4/12/2022। ते उस तो बाद मैनेजर साहब वेरका मिल्क प्लांट जलंधर विशा की है वेरका दे उत्पाद वेचण दे कारोबार करन बारे। तो श्रीमान जी उपरोक्त विषय ते संबंध विच बेनती की जाती है कि मेरी विद्यक योग्यता बीकॉम है ठीक है जी, ते मैं सरकारी नौकरी दी दौड़ दे विच शामिल होण दी थां अपना कारोबार जिहड़ा हैगा करन दी इच्छा रखदा हाँ। मैं देखता हाँ कि साढ़े आले दुआले दुध ते दुध तो बने घटिया उत्पादों की जिहड़ी हैगी भरमार कारण मनुखी सेहत नाल खिलवाड़ हो रहा है, इस करके मैं वेरका जिहड़ा हैगा म्यारी उत्पादों के कारोबार नाल जुड़ के लोगों की सेवा करनी चाहुंदा हाँ। कृपा करके मैनू दस्या जावे कि जिहड़ा वेरका दे उत्पादों का कारोबार करन संबंधी पंजाब मिल्क फैड दियां की शर्तां हन। यह भी दस्या जावे कि वेरका दे वख-वख उत्पादां जिवें कि दुध दही लस्सी मक्खण घिओ पाउडर आदि आइसक्रीम ते पनीर आदि केड़ी केड़ी पैकिंग ते कीमतां च उपलब्ध होणगे, भुगतान किस तरीके नाल करना होवेगा अते ढोआ ढोआई ठीक है जी दा की प्रबंध होवेगा। ते इस बारे मैनूं उम्मीद है कि आप जी मैनूं इस बारे ठीक है जी विस्थार विच जानकारी प्रदान करके धन्नवाद पत्र बनाओगे, धन्नवाद सहित ठीक है जी आप जी का विश्वास पात्र अजीत सिंह। अगे तुसी मच्छी पालन का कारोबार करना चाहते हो, अपने जिले के मच्छी पालन अफसर नूं अपनी योग्यता दसते हुए सरकार वालों मिलती सबसिडी ते होर सहूलतों बारे पत्र राही जानकारी की मांग करो। तो देखो ये पिंड ते डाकखाना लिख देना वा, तुसी इत्थे फिर जिला लिख देना वा अपना, ते मिति की है दोस्तों 9/6/2022 जो भी होगी तुसी लिख देना पेपर वाले दिन। तो जिला मच्छी पालन अफसर जलंधर ठीक है जी विशा की है मच्छी पालन लई सरकार वालों मिलती सबसिडी अते होर सहूलतों बारे जानकारी ठीक है। तो श्रीमान जी बेनती है कि मैं BSc पास बेरोजगारी नौजवान हाँ अते मच्छी पालन दे काम जिहड़ा हैगा शुरू करना चाहुंदा हाँ। मैनूं पता लगा है कि सरकार बेरोजगारी नौजवानां नूं मच्छी पालन लई सबसिडी अते होर जिहड़े कर्जे दे रूप दे विच वित्तीय सहायता प्रदान करदी है, तां इस संबंधी मैं आप जी दे पासों इह जानकारी प्राप्त करना चाहुंदा हाँ कि सरकार किन्नू कु वित्तीय सहायता प्रदान करदी है अते इह वित्तीय सहायता प्राप्त करन लई किहड़ियां शर्तां हन। तो देखो मच्छी पालन का काम शुरू करन लई निजी पद्धर ते मेरे कोल हेठ दित्तियां सहूलतां हन, जिवें कि मेरे कोल नहर नाल जिहड़ी लगदी लोड़ींदी जमीन है लगभग 50,000 रुपए मैं अपने कोलों भी लगा सकदा हाँ। तीसरा पैदा होए मच्छी नूं जलंधर दी मंडी विच सप्लाई करन दी सहूलत भी है, लोड़ींदी लेबर पिंड विचों आसानी नाल मिल सकती है। मैं मच्छी पालन लई तुहाडे विभाग वल्लों दित्ती जांदी लोड़ींदी ट्रेनिंग लैण लई भी तैयार हाँ। तो मैनू फिर इस तो बाद की लगते हैं आस है कि तुसी इस संबंध में वेरवे सहित जानकारी दोगे, धन्यवाद सहित आप जी का विश्वास पात्र गगनप्रीत सिंह सपुत्र राजपाल सिंह। तो हुण अगला प्रश्न देख लें, तो अगला प्रश्न की है ये अगला प्रश्न है हेठ दिते जिहड़े हैगे आ ठीक है जी लिखे पैरे की संखेप रचना करो अते ढुकवा सिरलेख भी लिखो, यानी कि तुसी आप पैरा वा जिहड़ा ठीक है जिस नूं इत्थों तों लैके इत्थे तक पहला रीड कर लो चंगी तरह, स्क्रीन नूं रोक लो ठीक है जी, तो वीडियो नूं रोक लो चाहे फिर इहदा स्क्रीनशॉट ले लो
तो तुम पढ़ लिया होना दोस्तों। हम देखते हैं सिरलेख की बनूगा, यानी कि एक मेन हैडिंग की बनती है यह पढ़न तो बाद। जो है मेन हैडिंग बनूगी रस्मां रिवाजां की महत्ता, ठीक है जी। इसी तरह का तुम्हें पेपर के आऊगा, जरूरी नहीं कि यही आए, हो सकता कोई और आए, तुम उसको रीड कर लेना वा, ठीक है जी। तो उस तो बाद संखेप रचना, तो जिड़िया ये तीन चार लाइना हैं तुम उपरों ही, ठीक है, चक के तीन चार लाइना जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तुम्हें लगन गया वो ये लिख दौ, ठीक है। जिहड़ा पंजाबी लोग जीवन के हर वर्तारे विच रस्मां रिवाजां दे विशेष महत्ता है, भावें समय बदला जां फिर नवीं उपलब्धियां कारण इन्हां विच तब्दीली आनी सुभाविक है, फिर भी इन्हां दीआं विज्ञानिक सारथरता नूं इनकारिया नहीं होया जा सकता। रस्मां रिवाजां, ठीक है जी, मनुख नूं मनुख नाल जोड़दे हन। ते उस तो बाद देखदे हां प्रश्न छेवां की है कि हेठ लिखे शब्दों विचों किसी एक शब्द समूह नूं शब्द कोश तरतीब अनुसार लिखो। तो देखो पहला प्रश्न की है, राज महल रफूगर रजवाड़ा रिश्वत रसा रस्ता, ठीक है जी। तो अगे की है रचना, तो देखो ये क्या है, रस्ता रचना रजवाड़ा रफूगर राज महल ते रिश्वत, ठीक है जी। तो उस तो बाद है गुड़ती कंगना जंगल किरिया दस्तकार नकेल, ठीक है जी। तो यहाँ क्या है, कंगना किरिया गुड़ती जंगल दस्तकार नकेल, ठीक है। उस तो बाद देखते हैं प्रश्न सतवां, तो प्रश्न सतवां की है कि हेठ लिखे वाकों में किसी तीन वाकों की, ठीक है, ब्रैकेट में दिए निर्देश अनुसार वाक वटांदरा करो, यानी कि हुण इहदे विच जिहड़ा हैगा कि मेहनत सफल हुई, तो इसनों नांवाचक दे विच करना वा, यानी कि मेहनत हैगी जिहड़ी व्यर्थ नहीं गई। तो अगला की है कि तुहाड़ी जिहड़ी हैगी सियाणप नूं सब जानते हैं, इसनों प्रश्नवाचक दे विच करना वा, जिवें कि तुहाड़ी सियाणप नूं कौन नहीं जानता, ठीक है। तो उस तो बाद हुण अगला देखते हैं, तो अगला देखो की है कि मैं रोटी जिहड़ा हैगा खा रहा हाँ, तो इसनों तुसी कर्मणी वाचक दे विच करना वा कि रोटी मेतों खाधी जा रही है। तो उस तो बाद हैगा चौथा, वह नशियां विच पै के कंगाल हो गया, तो संयुक्त वाक दे विच इसनों कन्वर्ट करना वा, तो देखो वह नशियां विच पै गया अते कंगाल हो गया। तो पंजवां की है, बीमार होने कारण वह तुहाड़े काम नहीं कर सकता, तो इसनों मिश्रित वाक दे विच तुसी कन्वर्ट करना वा, तो की है इहदा आंसर कि वह तुहाड़े काम नहीं कर सकता क्योंकि वह बीमार है। तो उस तो बाद है छेवां, मेरी इच्छा है कि मैं अमीर होवां, इहनूं तुसीं विस्मयवाचक दे विच कन्वर्ट करना वा, तो काश मैं अमीर हुंदा। तो प्रश्न अठवां की है, देख लो प्रश्न अठवां कि हेठ लिखे अकौतां विचों किसे दो नूं वाकां विच वरतो जां फिर उन्हां दी वरतो दीआं छड़ीआं स्थितियां नूं दसो। तो देखो पहला की है, छज तां बोले छाननी क्यों बोले, तो देखो एक अगौनी व्यक्ति दूसरिया के अगुण कड़े जो, ठीक है जी। तो इस जी है कि बोलिया जाता वा, तो देखो शरण आप तो घट ही स्कूल जाता है पर सलीम दे दो दिन स्कूल ना जाने कारण आप उसनों समझा लग पाया कि उदो ही दीपक बोलिया छज तो बोले पर छाननी क्यों बोले, ठीक है जी। तो इस तो बाद है जाते चोर की लंगूटी ही सही, ठीक है जी। तो देखो ये की बनेगा यदा कि ज़्यादा नुकसान विच थोड़ा लाभ होना, यानी कि जदों करजे कारण, ठीक है, राम लाल ते उसका जिहड़ा परिवार रात के हनेरे विच भज गया तो करजे वाले ने उन्होंने घर ते कब्जा कर लिया, यह तो उही गल होगी कि जांदे चोर की लंगोटी ही सही। तो उस तो बाद ईड़ीमा है की है, देखो भजद्या वाहन इको जिहे, यानी कि दोहां धिरां दे वैर च दोनों इको जिही जिहड़ी है औकड़ा चलनिया पैंदियां हन। तो उस तो बाद की मतलब ये कि जदों जिहड़ी हैगी गीता ते सहुरे उस नूं दाज करन तंग कर रहे सन, तो उसके पिता ने कहा कि देखो जी भजद्या वाहन इको जिहे हुंदा असी तां, ठीक है, तंग होवांगे ही तुसी भी तंग होवोंगे, ठीक है। उस तो बाद की है अपना, वेले दी नमाज कवेले दीआं टकराई, यानी कि ठीक समा गुजारन पिछों कम ठीक नहीं हुंदा, ठीक है। तो देखो ये क्या है कि जगमीत तुहानू अपना हरेक कम वेले सिर मुका लेना चाहिदा है, नहीं तो बाद विच पछताउणा पै सकदा है। सियाणियां ने कहा है कि वेले दीआं नमाज कवेले दीआं टकरा, ठीक है जी। इस तो बाद दोस्तों की है अपना देख लैने, तो उस तो बाद है कि घर जा घर का जोगी जुगाड़ा बाहर का जोगी सिद्ध, ठीक है जी। तो देखो घर का जिहड़ा जोगी हुंदा है वह जोगड़ा हुंदा है, तो बाहर का जिहड़ा जोगी है वह सिद्ध हुंदा है। तो देखो की मतलब है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, देखो हरजिंदर का अपना भरा मन्या परमन्या, ठीक है जी, डॉक्टर है पर उसनू, ठीक है जी, उस की दवाई विच विश्वास ही नहीं, सगो वह दूजे डॉक्टर को दवाई लैन जाता है। ये इसकी तो उही गल होगी, ठीक है जी, आखे घर का जोगी जोगड़ा बाहर का जोगी सिद्ध। तो उस तो बाद पूछा जाएगा कि किसी एक कविता का केंद्रीय भाव लिखो, तो आप देखते हैं वारस शाह का जिहड़ा हैगा, ठीक है, अमृता प्रीतम की कविता वारस शाह का केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि 1947 के फिरक फसादा ने पंजाब की धरती के चप्पे चप्पे नूं अपनी लपेट में लै लिया, जिस करके इत्थे प्रेम प्यार दीआं जिहड़ी गल्लां खत्म हो गई। तो उस तो बाद पंजाबी सभ्याचार रुल गया, तो पंजाबी नौजवान प्रीत भुल के, ठीक है, स्त्रियों उपर जुल्म ढाउण लगे। दोस्तों उस तो बाद है मेरा बचपन का केंद्रीय भाव, तो देखो की है, बचपन की उम्र में पिताहीन होया व्यक्ति बचपन दियां खुशियां तो वांझा
रह जाता है, उसकी विधवा माँ के चेहरे की खुशी भी जाती रहती है। मेहनत मुशक्कत करद्या भी उसनू नज़रां नीवियां रखनिया पैंदियां हन ते लोकां दियां मैलियां नज़रां तो बचना पैंदा है। वड्डा हो के भी इस व्यक्ति नू बचपन दियां खुशियां खुश जाण दा जिहड़ा हैगा झोरा लगा रहिंदा है। ठीक है जी, तो इस तरह हुण ये खत्म हो गया। तो अगला है, अगला केंद्रीय भाव गीत। तो देखो की है, ये विच बीरी प्रीतम प्रेमिका दे बीरो कारण, ठीक है जी, इन्ना दुखी ते जिहड़ा हैगा विषादग्रस्त हो हुंदा है कि वह चाहता है कि हुण ही, ठीक है जी, हुणी उसनू, ठीक है जी, बीरा दी भट्टी विच जिहड़ा हैगा, ठीक है जी, इन्ना भुन्ने कि वह छेती मर जाए। तो यह गीत का तुहाडा इह केंद्रीय भाव है। तो उस तो बाद है कि किसी एक जिहड़ा हैगा कहानी का सार लिखो। तो देखो माड़ा बंदा, ठीक है जी, कथावाचक कहानीकार की पत्नी सब्जी मंडी तो रिक्शे विच बैठ के घर आई सी। ठीक है, रिक्शे वाले ने उस ने 2 रुपए देने तय किए सन, पर रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक के कहा कि यह तो बीबी जी शक्ति नगर ही आ गया, सड़क टुटी हुई है, 3 रुपए दो। कथावाचक की जिहड़ी पत्नी ने उसनू 2 रुपए फड़ाए ते 2 रुपए उस दे, ठीक है जी, वगा के सुट दिते। ते जिहड़े हैगे, ठीक है, आवाज़ सुन के जिहड़ी कथावाचक बाहर आया ते वह रिक्शे वाले नू मारन लगा, पर रिक्शे वाला तो गरीब ते माड़े, ठीक है जी, की सीगा वह बंदे नाल बदीकी आखदा होया भैड़ियां नज़रां नाल वेखदा तुर पिया। कथावाचक समझदा सी कि वह 1 रुपया वध मंग के असल विच 50 पैसे होर लैना चाहुंदा सी, पर उस नू उसदा तरीका पसंद नहीं सी। उस नू चाहिदा सी कि वह जिहड़ा निम्रता ते मिन्नत नाल कहिंदा तां कि उस ने उन्हां दी कोठी नू नेड़े समझिया सी, पर वह दूर निकली। उस नू 50 पैसे होर दे दिओ ते वह उस नू उस दी पत्नी तो मिल ही जाने सन, जो रात तुरे जांदे गरीब नू चाह अते जिहड़ी हैगी रोटी दिंदी रहिंदी है। पर पुआड़ा इस करके पिया सी क्योंकि उसने, ठीक है जी, रुपए सुट दिते सन ते कथावाचक उस नाल जिहड़ा गर्म हो पिया सी। उस तो बाद कि इस पिछों जिहड़ी हैगी आ कथावाचक दी पत्नी ने उस नू चोरी चोरी रसोई विच बाहर निकल के देखा कि रिक्शे वाला कोठी दे बाहर ही खड़ा सी। पत्नी रसोई विच चाह बनाउण लग पई। कथावाचक अपनी भूआ दे पुत्तर जो कि जंगलात अफसर सी, ठीक है जी, उसनू, ठीक है जी, फर्नीचर बनवा के भेजण लई चिट्ठी लिखण दा यतन कर रहा सी, ते जो कि कई दिनों तो अधूरी पई हुई सी। ते उस तो बाद ओह साइज ते डिजाइन संबंधी कुलजी गल बारे सोच रहा सी कि उसका बेचान हुई पत्नी ने दसिया कि रिक्शे वाला कोठी के बाहर ही खड़ा है। कथावाचक चाहता सीगा कि उसकी पत्नी उसका ध्यान ही ना करे, पर चिट्ठी उस तो भी नहीं सी लिखी जा रही। वह आप, ठीक है जी, कई बारी जड़ा बारी बारी बाहर देख चुका सी। रिक्शे वाला अपने रिक्शे का रुख पार्क वल करके उत्थे ही खड़ा सी। उसने एक बारी भी उन्हां वल नहीं देखा। शकल तो वह, ठीक है जी, कोई जड़ा हैगा जुराइम पेशा बंदा लगता सीगा। जो उसने आने कढ के कथावाचक वल देखा सी तां उसकी पत्नी दिते 2 रुपए जिहड़े हैगे भगा मारे सन। तो कथावाचक का दिल जिहड़ा करदा सीगा उसनू वाला तो फड़ के थले सुट लवे अते उस दियां जिहड़ियां सुक्कियां बाहां नू मरोड़ सुटे, पर उसकी पत्नी ने उसनू रोक दिता, ठीक है जी, सी अते नाल ही कथावाचक नू इह सोच के चुप कर गया सी कि एक कमीने नू हत्थ लाउण नाल, ठीक है जी, अगों उसकी जिहड़ी गाली गलोच करन नाल उसकी इज्जत खराब हो सकती है। वह कथावाचक बेइंसाफी भी सह नहीं सकता जिहड़ी कि रिक्शे वाले पैसे लैण समय आम करते रहिंदे हन। कथावाचक की पत्नी चाह का जिहड़ा हैगा कप लैके उसकी पति दे कोल आई अते बहाने नाल फिर उसनू देख आई। उन्होंने कथावाचक नू कहा कि उन्होंने सारी गल छड के 3 रुपए ही दे देने चाहिए सन, पर कथावाचक इस गल नाल, ठीक है जी, सहमत ना होया। उसकी पत्नी कह रही थी कि वह गरीब साढ़े कोल पैसे किसे डिग भी पैंदे हन, ठीक है जी, तां बच्चे 1-2 रुपए हर रोज़ खर्च कर देंदे हन। उंज असी उस दी गल कथावाचक नू ठीक भी लगती सी, जिहड़ा कि हर रोज़ 2-3 रुपया की जिहड़ी सिगरेटा भी जिहड़ा फूक छड़दा सी ते महीने विच 2-3 वारी सिनेमा भी देखण जांदा सी, ठीक है जी। ते इस तो बाद है कि भाई जिहड़ा अपना, हाँ जी, तां देखदे हां कि फिर कथावाचक दे जिहड़े पुत्तर ने दस्सिया कि रिक्शे वाला उत्थे ही खड़ा है, वह एक बंदे दे पुछण ते भी उसनू कंपनी बाग लैके नहीं गया। यह सुन के कथावाचक नू रिक्शे वाले दे रवैये उत्ते गुस्सा आया, ठीक है जी, जिहड़ा 1 रुपए पिछे अपना समा ते कमाई बर्बाद कर रहा है सी। ते इस तो बाद यह गल सोचदे ही उसकी जिहड़ी चिट्ठी अधूरी पई हुई सी, ठीक है जी, उसने रिक्शे वाले दे खड़ा रहण की चिंता हो रही सी, पर वह अपनी पत्नी नू कह रहा सी कि जिहड़ा है वह आप थक हार के चले जाएगा। पत्नी दे कप चुक के रसोई विच जाण मगरों कथावाचक ने बारी विचों देखा कि जिहड़ा हैगा कोई होर रिक्शे वाला उस कोल खड़ा सी ते उस नाल गल करके काली विच अड्डे वल चला गया। ते उस तो बाद कथावाचक यह सोच के डर रहा सीगा कि वह अपने साथियों नू बुलाउण ना गया होवे, पर बाहरों एक
यह जाहिर कर रहा है कि जिमें उस नू उस दी जी कोई परवाह नहीं हो ना होवे। पत्नी फिर आई तो कहन लगी कि चंगा हुंदा जे असी उस रिक्शे वाले नू चाह दा कप पिला दिंदी, ठीक है जी, हुन डुलनी पई है। वह समझौते का कोई राह लभ रही सी, वह पति नू कह रही सी कि जेकर रात होवे तां मीह पैंदा होवे तां उह रिक्शे वाले नू 3 रुपए ही दे दिंदे हन। कथावाचक ने सख्ती नाल उस दी गल नू जिहड़ा कुटदिया कहा कि हुण कोई मीह नहीं पै रहा। इस यह गल करदिया उसने 2-3 सतरां लिख के चिट्ठी अधूरी ही, ठीक है, पूरी कर दिती। उसनू अपनी पत्नी इस दी पत्नी दी आदत खिज आ रही सी। जदों भी कोई जिहड़ा मजदूर झगड़ा पा बैठे तां वध पैसे दी जिहड़ी हैगी खलासी, ठीक है जी, लई जावे। तो अड्डे उत्ते बैठे मंगते दी यही गल मन लो कि जिहड़ा 25 पैसे का भान खा के भी तुसी थुक दिंदे हो, इस गरीब दी तली उत्ते भी थुक दिओ। कथावाचक गुस्से नाल उठिया ते रिक्शे वाले नूं, ठीक है जी, पुछना चाहुंदा सीगा कि उसने जिहड़ा हैगा जाना है जा नहीं, ठीक है। तां इह दोस्तो फिर है कि वह पुलिस कोल उस विरुद्ध शिकायत करे, पर जदों उसने बरांडे विच आ के देखिया तां रिक्शे वाला जा चुका सीगा। उसने पत्नी नूं आवाज़ मारी तां उह, ठीक है, जिहड़ा धर्म पोथी पढ़ रही सी रिक्शे वाले दे जान बारे सुन के उसने धर्म पोथी बरांडे विच ही, ठीक है जी, उन्हें उत्थे रख दिती। पर उह दोवे लान विच, ठीक है जी, निश्चिंत हो के बैठ गए। उस तो बाद कथावाचक ने राती फिल्म वेखण दी जिहड़ी हैगी आ तजवीज़ रखी। पत्नी ने कहा कि हुण इह जिहड़े हैगे 3 रुपए जिहड़े रिक्शे वाले नूं देने सन, ठीक है जी, उह पिंगल वाले नूं देणगे। तो जिहड़े हैगे आ 50 पैसे उह उसनूं वध देण दी गल कर रहा सीगा, उह 50 पैसे हैगे जिहड़े कि अड्डे वाले मंगते नूं देणगे। कथावाचक ने उस नाल सहमति प्रगट की तो दोवें मुस्करा पाए। इस प्रकार इस कहानी विच कहानीकार ने साडे समाज ते पात्रां दे माड़े किरदार की जिहड़ी कि झलक पेश की है, जिस विच मध्य श्रेणी पात्र उसके व्यंग का निशाना बने हैं। तो इस प्रकार कहानी का जिहड़ा, ठीक है जी, विशा जिहड़ा हैगा यथा अर्थक मनोविज्ञानिक ते व्यंग जिहड़ा हैगा व्यंग आत्मिक मिक है, ठीक है जी, व्यंग आत्मिक है। तो उस तो बाद हुण देखते हैं तुहाडा अगला। तो देखो हुण जा की है उड़ा जिहड़ा आरमा है दोस्तों घर जा अपने। तो देखो इहदे विच की है कि घर जा अपने कहानी गुलजार सिंह संधू की रचना है। इस कहानी का सार इस प्रकार है कि जिते दा जिहड़ा हैगा बापू विआह 40 साल पहला होया सीगा, ठीक है। इस तो बाद जिहड़ा इस घर विच किसे मुंडे दा जिहड़ा हैगा विआह नहीं सी होया। हुण समा, ठीक है जी, हुण जिहड़ा मसा जीतो दे भरा दा जिहड़ा विआह है, ठीक है जी, उह करवाउण दी उम्र होई सी पर उह विआह लई नहीं सी मंदा। ते उस तो बाद जीतो दे चाचा चाचियां मामे मासियां जीतो दियां जिहड़ियां हैगे नूर नेड़ेओ लगदियां भरजाइयां ते जीतो दियां अपनियां सहेलियां उस दे भरा नूं उलांभे दिंदियां सन कि उहनां नूं इकट्ठे मिल बैठण दा मौका नहीं सी दिंदा, पर जीतो दा जिहड़ा हैगा वीर विआह लई नहीं सी मंदा। उस तो बाद घर दियां अपनियां चाह पूरा करन दी लई, ठीक है जी, जीतो दा विआह रचा दिता। इस तरह मिल बैठण दा मौका मिलदा सी अते सब दा जिहड़ा हैगा भार हौला हुंदा सीगा। जीते नूं हैगा, ठीक है, 17 साल लग गया सीगा, उस लई मुंडा लभ गया सी, पर जिहड़ा हैगा घर विच उस दा जिहड़ा विआह करन दी जिहड़ी हैगी सलाहां होण लगियां। तो जीतो दा जिहड़ा हैगा दोस्तों विआह सिर ते आ गया सीगा। इस घमासान विच उस दे भरा दी जिहड़ी हैगी मत मारी गई। जीतो दे मापियां दे घर दे कम्मां विच ही मत मारी गई सी। बाहर दा जिहड़ा सारा कम सीगा उह जीतो ते भरा ने करना सीगा। ते बरात ढुकण विच एक दिन बाकी सी, बरात दे खाने लई, ठीक है जी, जिहड़ा नाल दे पिंड दे विच दोस्तों मेज़ कुर्सियां इकट्ठियां करनियां सन, ठीक है। उस तो बाद दोस्तों पिरच जिहड़े हैगियां अपनियां पिरच प्यालियां आदि समान वड्डे शहर तो मिलना चाहुंदे सन। हुणे मुंडे वालियां दी चिट्ठी आई सी कि उह बिस्तरे नहीं लिया रहे। पिंड विच बिस्तरे इकट्ठे करन दा कम भी औखा सी। विआह वाले, ठीक है जी, घर लई तां कई चीज़ां सौखियां मिलदियां भी नहीं हन। शाम नूं नानके, ठीक है जी, नानके नानकी छड के लै के पहुँच गए सन। जीतो दियां जिहड़ियां हैगियां भूआं भी कपड़े लत्ते लै के आ गईयां सन। सारे अंग जिहड़ा हैगा अंग संक बण सरदा कन्यादान लै के पिंड पहुँच गए सन। जीतो ने इत्थे ही अपना जिहड़ा हैगा बचपन गुजारिया सीगा। ते उस तो बाद की कहिंदे हन सहेल हंडाए सन ते अपना दोस्तों जिहड़ा हैगा त्रिवणा विच बह के, ठीक है जी, कत्या सी, ठीक है जी, ते धीआं दियां जिहड़ियां हैगियां पिंगा चुटियां सन। इस सब कुछ बारे सोच के जीतो उदास हो गई। दूजे दिन सवेरे 3 बजे जीतो ने, ठीक है जी, उठा दिता गया, ठीक है जी, ते उसनू फेरियां वाला लाल सूट पहनाया गया, लाल परंदा गुद्दियां गया, ठीक है जी, अते गहणियां नाल, ठीक है जी, श्रृंगार दिता गया। यह सब कुछ देख के जीतो, ठीक है जी, जिहड़ा हैगा वह
ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਲਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਦਾ ਤਰਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮਾਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਿੱਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਝਿੜਕਵੇ ਜਿਹੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖ ਕੇ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਪੂਜਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੀਤੋ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾ ਲਈਆਂ। ਜੀਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਤ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਲੀ ਪਿੰਡ ਮੇਲੀ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਮੀਣ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖੱਟ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਰਾਤੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਗ ਸਾਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਿੱਤੋ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇ 11 ਰੁਪਏ ਪਾਏ। ਸਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੋ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਜਿੱਤੋ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੂੜੀ ਸਹੇਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤਣ ਸੀ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝਿੜਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਆਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੋ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੋ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਤਾਇਆ ਚਾਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਝ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਜਿੱਤੋ ਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟ ਰਹੀ। ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਭਰਾ ਰੋਂਦੀ ਕਰਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਵਲੈਟੀ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਤੋ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਾਏ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤੋ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਮੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰੇ ਹਟ ਗਏ। ਜਿੱਤੋ ਦਾ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਟੂਆ ਫਰੋਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਤੋ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚਾਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਠੀਕ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਨੇੜਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 8-10 ਵਰੇ ਛੋਟੀ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤੋ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ
कर सकनी। यह सब कुछ सोच के ठीक है जी वह उदास हो गया। उदास जिहे मन नाल जीतो दे वीर ने अपने बटुए विच सारे दे सारे पैसे बिना गिनन तो कट के अते जीतो दे हाथ विच धर दिते। चंगी भली जीतो ठीक है जी एकदम फिस गई। उसने अपनी हथेली ते खिलरे रुपए कार तो बाहर सुट दिते। अपने वीर नू जफ्फी पा के रोन लगी। जीतो दे भरा नू ठीक है जी गच आ गया। उसने ड्राइवर नू कार स्टार्ट करन दी जिहड़ी इशारा किया। उसने भरा जिहे मन नाल ठीक है जी भरे जिहे मन नाल अपने छोटे भरा नू जीतो कोल उठा के अपने बापू नू फड़ाया ते ओह आप ठीक है जी जीतो नाल वाली सीट ते बैठ गया। जीतो दे प्यो ने अपने पुत्र अठवा जीतो दे वड्डे भरा वड्डे वीर नू ठीक है कपड़े बदलने लिए कहा जो सब्जी नाल खराब हो गए सन। पर उसने बापू दियां बोलां नू ठीक है जी अनसुने करके रोंदी जीतो नू चुप करन लिए कहा अते उना ही कपड़ियां विचों जीतो नाल तुर गया। ठीक है जी तो इस तरह ये इत्थे कहानी समाप्त होगी। तो इस तो बाद है अपना सतियां सही ठीक है जी गड्डी विच हुण इह अगला वा दोस्तों तुहाडा इह जिहड़ा कहानी है तो देखो गड्डी विच सफ़र कर रही लेखिका ने इस एक मंगते नू यह गीत गाउंदिया सुनिया। ठीक है जी जदों वीर भगत सिंह दत्त नू दित्ता फांसी दा हुक्म सुना ओदी जिहड़ी होवन वाली नार नू ठीक है जी की है तां ओदी होवन वाली नार नू ते अगे देखदे आं की लिखिया होया कि किसे पिंड विच दस्या जा। लेखिका ने देखिया कि एक स्टेशन आ गया सी ठीक है जी ते मंगता एक डब्बे विच उतर के दूसरे डब्बे विच चढ़ गया। लेखिका सोचन लग पई कि जदों सरदार भगत सिंह नू इस गाने अनुसार फांसी दी जिहड़ी सज़ा सुनाई दित्ती होवेगी तां उस दे मंगेदर ते दिल ते की वापरिया होवेगा। तां लेखिका सोचदी उस पिंड चली गई। ठीक है जी लेखिका सोचदी उस दे विच यानी कि सो सपना देखण लगी शायद सोचदी होगी अपने माइंड दे विच कि उस पिंड चली गई जिथे सरदार भगत सिंह मंगेतर एक सोहनी कुड़ी बैठी चरखा कत रही सी। ठीक है लेखिका दे पुछण ते उसने दस्या कि इज्जत खातर उस दी जिहड़ी उमर इस तरह बतीत हो गई। उसने मेहनत की जिहड़ा हैगा कत्या पेसिया ठीक है जी ते उस तो बाद मजदूरी की पर भगत सिंह दे नां नू ठीक है जी लाज नहीं ठीक है लगन दिता ना दे नू लाज नहीं लगन दिता। तो लेखिका दे पुछण ते उसने मापिया नू उसका कोई ख्याल नहीं है। उसका जवाब दिता यह कोई एक दो दिन या फिर महीनों का मामला नहीं है यह तो सारे जीवन का जिहड़ा हैगा वाह सी। मापे किन्ना क चिर कर सकते हैं सन फिर उसनू भी जिहड़ा बुरा भला आखते हुए वह विचकार ही छड़ गया सी। ते लेखिका ने कहा कि सरकार तो उसनू सहायता मिल सकती सी। वह जवाब दिता कि शहीद दी मंगेतर हो के सहायता मंगनी चंगी नहीं लगती। अजिहियां गल्लां सुन के लेखिका का जिहड़ा दिल है वह इस महान कुड़ी दे पैर चुमन लई कीता। वह बहुत सिद्धक वाली तो जिहड़ी हैगी सिड़ी सीगी। ठीक है लेखिका के पुछण ते उसने दस्या कि मैं उस शहीद दे पिंड विच किवें जा सकती हाँ। ठीक है जी जिथे ठीक है जिस ने मैनू ठीक है जी सहुरे बन के लैन आना सी। ते उस तो बाद लेखिका ने कहा कि यह जिहड़ी गल बहुत पुरानी हो गई है पर उस झट उत्तर दिता कि यह तो अजे कल होई है। शहीद की मंगेतर ने इस बार उस भगत सिंह ने उसनू घरों बुला के आख्या सी कि मैनू अजे काम है मैं छेती ही आके विआह करवावांगा पर वह अजे तक नहीं आया मैं उड़ीक रही हाँ। ठीक है जी तो लेखिका ने एक गीत याद आया कि साडा घर सजनीए एडी दूर तो नहीं सी कि उम्र पर जिहड़ा हैगा फेरा ना पाया। ठीक है तो उस तो बाद देखते हैं की है इन्हां शब्दों की जिहड़ी है कि तरफ उस दे मूँह उत्ते दिखाई दे रही सी। लेखिका ने शहीद जिहड़ी मंगेतर सिंह लंबी उम्र वाली होण दी असीस दित्ती। उसने आख्या कि मैनू लंबी उम्र दी लोड़ नहीं मैं तां ठीक है जी यह दिन भी बड़ी ही मुश्किल नाल लंघा रही हाँ। ठीक है जी लेखिका ने गल बदलन की जिहड़ी आख्या कि उस नाल शहर चले अते उस दी भैण दा जिहड़ा विआह है। शहीद दी मंगेतर ने जवाब दिता कि खुशियां दे मौके उस पासों चले नहीं जाते वह ठीक है जी गमां तो एक पल भी जिहड़ी हैगी आ दूर नहीं रह सकती। कई बार वह सोचती है कि कोई आके वह दे ठीक है जी वह मरे नहीं है ठीक है जी उन्हां नूं फांसी नहीं लगी है वह जिउंदे हन तां जां वह सच्ची ही आ जाण तां इन्हां ठीक है तकदीरां नूं आखे दूर ना खलोवे वह भी किसी की भैन है किसी की धी है। लेखिका ने उसनू दस्या कि साडा देश बहुत उन्नति कर रहा है सरदार भगत सिंह के सुपने पूरे हो रहे हैं उसनू भी नवे चढ़े बरे विच ठीक है कोई हिस्सा पाउणा चाहिए है। यह सुन के उसके मूँह उत्ते उदासी छा गई। वह लेखिका वल ठीक है तकन लग पई जिमें कि वह कह रही होवे कि पिछला जिहड़ा हैगा ठीक है जी वरा हो के टुर चलिया अगला भी खड़ा उदास केड़े ते मुन्नी सराबीए तू मुड़ ना पुछी बात। ठीक है जी उस तो बाद देखो लेखिका दे पुछण ते उस एक वड्डा जिहड़ा होका जिहा लिया ते जिवें आख रही होवे कि
चाननिया रातां उस नूं पुछदियां हन कि तेरी नींद किथे गई, तेरी सूरत किथे खोई गई है। लेखिका ने उस दे मूंह वल तकिया, नानक सतिया जानियन जी बिरे चोट मरन। तां जदों इस तुक अगे लिखिका दा सिर चुकिया तां उस दी नज़र जिहड़ी हैगी मंगेतर दी टुटी हुई जुत्ती ते पई। उस दी कमीज नूं भी टाकियां लगियां होईयां सन। मंगेतर ने दस्या कि उह भगत सिंह बहुत सोहणा सी ते पिंड दियां कुड़ियां दे ठीक है जी जिहड़े हैगे परौणियां नालों भी वध सोहणा सीगा। इस तरह गल्लां करदिआं उस दा जिहड़ा गला वै ठीक है जी उह भर आया। उह मंगेतर अपने ठीक है जी हथ वल वेख रही सी जिवें ही देख रही होवे कि उस दी किस्मत किस तरह लिख दित्ती है। तो अगे दोस्तों की लिखा हुआ देखते हैं, तो देखो अगे लिखा हुआ कि लेखिका ने उस वल जिहड़ा वेख्या ते उसनू इस तरह जापदा सी जिवें उस दीआं अखां विच अग बल रही होवे। लेखिका ने ठीक है जी लेखिका नू इउं जाप रहा सी कि जिवें उह नागण दा रूप धारण कर रही होवे, भगत सिंह दे सारे कातलां नू दस रही होवे। लेखिका ने उस दा जिहड़ा दर्द वंडाया आख्या कि उस नू उदास नहीं होना चाहिदा है। सरदार भगत सिंह केवल ठीक है जी उस दा नहीं सगो सब दा सी, उस दे मरण दा दुख उस नू नहीं सगो सारे देश नू है। इस तरह उस दीआं जिहड़ियां अखां विच अथरू आ गए। लेखिका ने सोचिया धरती आकाश भी उस नू तसली दिंदे होणगे। लेखिका यह सोच ही रही सी कि उस दी जिहड़ी गड्डी खड़ी हो गई, स्टेशन आ चुका सी। उह मंगता उह पहला गीत जदों ठीक है जी वीर भगत सिंह दत्त नू जिहड़ा हैगा डैश गाउंदा होया डब्बे अगे दी गुजर रहा सी। तो इस तरह दोस्तों तुहाडा जिहड़ा इह कहानी सी इह वाली इत्थे खत्म हो जाती है ठीक है जी। जिहड़ा सीगा तुहाडा सतिया सही पंज नंबर दा तुहानू इह आना वा ठीक है, तीन इंपोर्टेंट ने। तो बाकी दोस्तों इत्थे ही तुहाडा जिहड़ा इह सैंपल पेपर सीगा कंप्लीट हो चुका वा। बाकी दोस्तों साडे कोल आ जिहड़े मॉडलस पेपर पए ने अनसोल्व, अगर तुसीं इहनां दी तैयारी कर लैंदे हो तां दोस्तों वैरी वैरी इंपोर्टेंट आ इह ठीक है। जिवें कि इहदे विच जिहड़ा इह क्वेश्चन आ इसनूं देख लो ठीक है, वैरी वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने इह। तो इन्हां दे विचों दोस्तों जिहड़े हैगे आ ठीक है जी इन्हां दे विचों जिहड़े हैगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ इह तुहानू पेपरां दे विच पुछे जा सकदे हन। इन्हां दे स्क्रीनशॉट लै लो चाहे दोस्तों स्क्रीन रोक के इन्हां नू देख लो ठीक है जी। आ मॉडल एस पेपर दूसरा आ गया तुहाडा ठीक है जी, तां इह वी देख लो ठीक है दोस्तों। तो इह हो गया दोस्तों दूसरा मॉडल एस पेपर। इस तों बाद दोस्तों आ तुहाडा तीसरा मॉडल एस पेपर इत्थों चालू हो जाएगा ठीक है जी। तां इस तों बाद जिहड़ा तुहाडा है इह वी इहदे नाल ही है। ये विच दोस्तों आ जिहड़े सारे हैगे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ने, अगर तुसीं इहनां दी तैयारी भी वधिया नाल कर लैंदे हो तां दोस्तों तुसीं बड़े ही आसानी नाल पास हो जाओगे। तां आ वाले क्वेश्चन हन इहनां दे, इहनां दा स्क्रीनशॉट जां फिर दोस्तों तुसीं किसी भी तरीके नाल इस नूं स्क्रीन रोक के जां फिर किसी भी तरीके नाल इस नूं ठीक है अपने फोन दे विच सेव कर लो। आ देख लो ठीक है जी। तो इस तरह दोस्तों इहदे विच वी आ इत्थे दित्ता होया वा। तो उस तों बाद दोस्तों आ वाला आखिरी पेज है ठीक है जी। तो आ देख लो दोस्तों, तो इतने ही दोस्तों तुहाडा कंप्लीट हो जाता वा। तो बाकी जिहड़ा साडे कोल अगर कोई शांति गैस पेपर या कोई होर गैस पेपर पहुँचता तो उसकी रिविजन भी करावांगे। बाकी अपना टैलीग्राम चैनल बनया हुआ है उसमें ज्वाइन कर लो, मेमोरियल जनरेशन PSB के नाम तो टैलीग्राम का चैनल भी बनया हुआ है।